मैं समझता हूं इन हालात के अंदर सरकार को अपनी नीति साफ करनी पड़ेगी। बार बार ये जो एमएसपी डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जब तक इनको खरीदने का प्रबंध नहीं किया जाएगा, किसान के साथ एक छलावा मात्र है, एकमात्र इसका कोई इलाज नहीं है। किसान को आज भी जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 15 मिनट पहले सीआईआई से बात करते हुए कह रहे थे कि मैंने किसान को उसकी फसल जो है हर जगह बेचने की इजाजत दे दी। मैं आप सब बड़े समझदार बड़े अनुभवी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं ये जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, इनकी कोई कॉपी देंगे क्या? आपने रिफॉर्म्स देखे हैं क्या? ये जो चर्चा चल रही है रिफॉर्म्स की कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे या रिफॉर्म्स, बात तो यूं कर रहे हैं जैसे रिफॉर्म्स लागू कर दिए, परंतु हालात ये हैं कि ये रिफॉर्म्स अभी तक इंटर मिनिस्टीरियल डिस्कशंस तक ही सीमित हैं। ना तो कोई ड्राफ्ट पेपर लाया गया है, ना इनको कहीं पे डिस्कस किया गया है। ये पार्लियामेंट में लेके आए, स्टेट्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, स्टेक होल्डर हैं किसान के साथ, किसान की जो संस्थाएं हैं उनके साथ बात करें, किसानों से राय लें। मैं समझता हूं एक तरफ ही यहाँ पे बैठ के किसान की आय दुगने की बात करते हैं। मैं पहले ये जानना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी आप किसान की आय आज के दिन मान के दे रहे हैं जिसको आप दुगनी करने जा रहे हैं। 2022 की उन्होंने बात की थी तो 2020 तो आ गई। आज जिस तरह से आपने ये रेट एमएसपी के बढ़ाए हैं 2.9% आप ले लीजिए धान के, तो इस हिसाब से तो आने वाले 10 साल भी किसान की आमदन दुगनी नहीं होगी। और मैं धान के लिए स्पेसिफिकली आपको बात करना चाहूंगा क्योंकि आज की परिस्थितियों को देख के इनके ऊपर कोई जबान खोलनी चाहिए थी सरकार को। आज देश के अंदर विभाजन के बाद सबसे बड़ा विस्थापन हुआ है। मैं समझता हूं लाखों लोग अपना घर कर्म भूमि छोड़ के जन्म भूमि की तरफ गए, करोड़ों की तादाद में पहुंच गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से 1947 में देश का विभाजन हुआ था उस किस्म के ना सिर्फ दृश्य देखने को मिले हैं, परंतु आज भी रेलवे स्टेशन के ऊपर लाखों की तादाद में जो हमारे प्रवासी भारतीय थे, हमारे साथी थे, हमारे दोस्त हैं हमारे, वो उन्होंने पंजाब और देश के विकास में योगदान खून पसीने से डाला, वो अपना घर जाना चाहते हैं, जन्मभूमि जाना चाहते हैं। उनके जाने से प्रभाव क्या पड़ा है?